तो गाइस हम शुरू करते हैं अपना जो है मैगी मसाला बनाने के लिए। इसके लिए मैंने लिया है 2 प्याज कट कर लिया, 1 टमाटर कट कर लिया और 1 हरी मिर्च कट कर ली। और 2 मैंने मैगी ली 3 लोगों के लिए। गैस ऑन करूंगी। ये मटके से है गाइस, इसमें तेल निकाल लेती हूँ मैं, पर डालने में आसानी रहती है। पैन गरम हो गया मेरा, पैन गरम हो गया, मैं इसमें ऑयल डालूंगी 2 से 3 चम्मच, छोटे चम्मच से 2 से 3 चम्मच डालूंगी, जिससे बस प्याज थोड़े सोते हो जाए बस। तेल मेरा गरम हो गया है, अब इसमें पहले डालूंगी हरी मिर्च। फिर जाएगा इसमें प्याज। प्याज थोड़े से सोते हो जाएंगे फिर इसमें डालेंगे हल्के से बस, मतलब ऐसे 2 मिनट आपको प्याज को उलट पलट के पका के फिर इसमें टमाटर डाल दो। ज्यादा मेहनत नहीं है गाइस और ज्यादा सामान भी नहीं लगता, बच्चे मन को खाते भी हैं। मैगी तो हर बच्चे पसंद करते हैं, हमारे ही नहीं सबके बच्चे पसंद करते हैं मैगी, मैगी पास्ता ये सब तो हर बच्चे पसंद है। इसमें जाएगा प्याज, टमाटर गाइस, सॉरी टमाटर जाएगा। इसमें डालूंगी गाइस 1/2 चम्मच मैगी मसाला, ये दूसरा वाला जो अलग से आता है वो वाला मसाला। काम सारा हो गया गाइस, क्लीनिंग भी हो गई है, बच्चों का भी सब हो गया है। इसको बोल रहा हूँ, अब इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी जब लगे कि अब उबलने वाला है गाइस, तब इसमें ऐड करेंगे मैगी। गाइस मैगी कुछ इस तरीके से, क्योंकि उबल रहा है अब इसमें डाल देंगे तो जल्दी पक जाएगा। तो गाइस देखिए मैंने इसमें मैगी ऐड कर दी, मेरा पैन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है बट हो जाएगा, पक जाएगा। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी मैगी मसाला, जो पैकेट के साथ आता है वो वाला मैगी मसाला, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है गाइस, बनने के बाद देखिए कैसा होगा।
एक बार ट्राई करिएगा आप लोग भी इस तरीके से, सरल तरीके कहने के लिए होता है, दो मिनट में मैगी बनती है, बट थोड़ा तो टाइम लगता ही है। वो ऐड के लिए कहते हैं दो मिनट में मैगी तैयार। और गाइस कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है मेरा मैगी। हल्का सा इसमें नमक ऐड करूंगी क्योंकि मैंने वो मसाला प्याज ये सब ऊपर से डाला है तो हल्का हो ही जाता है, जो कि हमें थोड़ा सा बिल्कुल ऐड करना पड़ता। मैं डर डर के तीन बार में देखिए डाली, मुझे बहुत डर लगता क्योंकि बच्चे कम खाते हैं ना, तो फिर ज्यादा हो जाता है खिंचे चय शुरू हो जाते हैं थोड़े कम। मेरे यहाँ नमक बहुत हिसाब से डलता, नमक शक्कर ये सब बहुत हिसाब से। तो गाइज अभी मैं पक जाएगा फिर आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक मैं दूसरा काम करूंगा। तो गाइज मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय एक कप, क्योंकि बच्चे तो पियेंगे नहीं, हम ही पियेंगे। मैं दूध और पानी एक साथ चढ़ाती हूँ गाइज। सिद्धि ये दूध फ्रिज में रखो। सिद्धि फ्रिज में आई थे ले आना। हाँ अब मेरे चाय में जाएगी चीनी और पत्ती। मैगी मेरी रेडी हो गई गाइस, कुछ इस प्रकार से बनी है देखिए, और बनाइएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी है मेरी मैगी। थोड़ा अलग तरीके से बनाई हूँ, डिफरेंट तरीके से, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं मैगी भी कई तरीके से। अब हम लोगों को मसाले वाली पसंद है इसलिए हम लोग मसाले वाली बनाते, किसी किसी को सिंपल मैगी पसंद है, किसी किसी को सब पानी में ही काट के डाल देते हैं, कई तरीके से बनती है, बट हमारा सब चीज भून के फिर उसके बाद बनता है। तो गाइस मैगी मेरी रेडी हो गई, मैं गैस को बंद कर दूं। अब इसमें जाएगी चाय में चाय पत्ती, जितना भी आप जिस, मैं हल्की पीती हूँ, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा हल्की नहीं, मीडियम हो। और इसमें जाएगा हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर, बहुत मीठा नहीं पीती हूँ गाइस, तो पहले हो जाता था अब नहीं हो पाता। अब क्या होता है ना कि अलग अलग प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अदरक गया, अदरक पक रही है मेरी चाय कुछ इस तरीके से बनती है चाय। तो गाइस कुछ इस तरीके से बनी है मेरी चाय और मैगी, बच्चों के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है, सुबह का टाइम है और बच्चे वैसे चाय नहीं पीने वाले थे बट मन कर दिया इसलिए मैंने तीन कप में निकाल लिया है। अब बच्चे पियेंगे और खा लेंगे फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और अगर आज संडे है, अगर कोई गेस्ट नहीं आया, कहीं जाना नहीं हुआ गाइस, तो पूरे दिन का ब्लॉग रहेगा, नहीं तो फिर शाम को दिखाती हूँ आपको कैसा रहा मेरा दिन।